एक बार की बात है, एक राजा उनके राज्य के एक संत के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, महाराज आप कहते हैं कि मेरा कई पहचान है, कृपया यह स्पष्ट करें। संत ने कहा, यदि आप कल सूर्योदय से पहले बिस्तर से उठते हैं और मेरे पास आते हैं तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। राजा ने अपने परिचारकों से कहा, कल मुझे सवेरे उठा देना। और राजा सोने से पहले 3 बार अपने परिचारकों को चेतावनी दी कि कल उन्हें भोर से उठाया जाए। कठोर सर्दी की रात थी, सूर्योदय से पहले राजा को बुलाया गया। राजा ने रजाई को अपने तरफ जोर से खींचा और वापस सो गए। जब उन्हें बार बार बुलाया गया तो उन्होंने यह कहा कि जो उन्हें परेशान करेगा वो उसको फांसी की दंड दे देंगे, और फिर आराम से सो गए। फिर राजा रोज की तरह देर से उठे और परिचारकों को प्रश्न किया कि उन्हें क्यों नहीं उठाया गया। परिचारकों ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो भोर को हुआ था। जब राजा ने यह सुना तो वो दुखी हो गए और संत के पास जाकर माफ़ी मांगी। संत ने कहा, देखो महामहिम, आप ऐसे समय में 3 आदमी हैं। कोई एक कहता है कि उसे भोर से उठाया जाए, दूसरा कहता है कि भोर को उठाए जाने पर उसे फांसी दे दी जाएगी, और तीसरा जो भोर को उठकर उदास होता है। ये 3 एक समान नहीं हैं, आपके भीतर ये 3 अलग अलग लोग हैं। ऐसे हर इंसान के भीतर कितने इंसान और कितने पहचान होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी से कुछ पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आप बहाना देना बंद करें और उस रास्ते पर चलें जो आपको आपके मंजिल तक पहुँचाता हो।